वो तो तबलीग के जिम्मेदारों में से एक जिम्मेदार ने वो इस तरह की बातें की है कि जो दीन से मेल नहीं खाती। अहले सुन्नत वल जमात के 1400 साल उलमा का जिस बात पर इत्तेफाक था उससे इख्तिलाफ करके बातें की जा रही और इस्लाह की कोशिश की गई तो उस कोशिश को नकार दिया गया। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जब इस पर नकीर की गई और फतवा दिया गया तो आज दारुल उलूम देवबंद की तौहीन की जा रही है। उन मुफ्तियाने किराम और दारुल उलूम देवबंद के असातिज़े किराम जिन्होंने तमाम बातों को देखने के बाद फतवा दिया था, आज ये कहा जा रहा है कि उनको पैसा दे करके फतवा लिखवाया गया। आज पूरी दुनिया दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर एतमाद करती है और सारी दुनिया के उलमा दारुल उलूम देवबंद के फतवे से इत्तेफाक करते। ऐसे हालात के अंदर एक शख्स की हिमायत में इस तरह की बात कहना दीन से इन्हराफ है और गुलू है। और ये चीज जिस पर 1400 साल से उम्मत का इत्तेफाक रहा है उससे इन्हराफ करना दीन नहीं है।